प्रभात विद्यार्थियों, आज हम वसंत भाग एक पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके लेखक कवि तुलसीदास जी हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दए मग में डग द्वये, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हूँ कित हवाई। तिय की लखी आतुर ता पिय की अखियां अति चारु चली जल चवे। तो बच्चों, इन पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत वन के मार्ग में कविता से ली गई हैं। सरल अर्थों में कवि कहते हैं कि श्री रामचंद्र की पत्नी सीता नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह दो कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। उनके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों से बनने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। जल को गए लखन है लारिका परिखौ पिए छाए घरीक हवे ढाड़े। पोछी पसेऊ बयारी करऊ अरु पाए पखारी हूँ भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियास्त्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लखयो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो बच्चों, प्रसंग इस प्रकार है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन को गए थे, तो ये घटना तभी की है। सरलार्थ, सीता श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा, आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ, मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र बहुत देर तक पांवों से गड़े कांटों को निकालते रहे। श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगा। तो बच्चों, एक नई कविता के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।